2022 के आईपीएल एडिशन में आएंगी 10 टीम्स, यानी कि दो और नई टीम्स आने वाली हैं। अब ये दो टीम्स कहां की हो सकती हैं? सी ऑलरेडी साउथ में तीन तीन टीम्स हैं, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई। नॉर्थ में देखें तो दिल्ली, पंजाब के पास दो टीम्स ऑलरेडी हैं। वेस्ट, सेंट्रल और ईस्ट के पास सिर्फ एक एक टीम है, मुंबई, राजस्थान एंड कोलकाता। अब इन्हीं तीन जोन में से अगर टीम आ सकती है या फिर आएंगी तो कौन कौन सी हो सकती है, हु कुड बी द फ्रंट रनर्स, लेट्स ट्राई एंड फाइंड दैट आउट टुडे। और दूसरा आपके सवालों के जवाब देने हैं कि भाई किसका पलड़ा ज्यादा भारी है अगर हम WTC के फाइनल को देखें, और अगर हैदराबाद को सिर्फ एक ही खिलाड़ी अगर पिक करना हो या रिटेन करना हो तो वो कौन हो सकता है, वार्नर, विलियमसन या राशिद। और आज का जो मेरा ट्रिविया है, एक्चुअली इस इंसान का जन्म आज ही हुआ था, क्रिकेट के लिए, ऑक्सफोर्ड के लिए कुछ ये फर्स्ट क्लास मैचेस भी खेले हैं। इनके पिताजी बहुत बढ़िया क्रिकेटर थे, ये भी मतलब पॉपुलर हैं पर ये क्रिकेटर नहीं बने। हु आर आई टॉकिंग अबाउट? हैशटैग आकाशवाणी। पता है आपको इस ट्रिविया का आंसर? बाय द वे नहीं पता, कोई बात नहीं, आप पूरा शो देखिएगा अंत तक, बताऊंगा मैं आपको कौन से पॉपुलर पर्सनैलिटी है। समटाइम्स एक्चुअली थोड़ा सा फैंस जो है थोड़ा इनके पीछे काफी भागते, बट देन दैट्स ओके, दैट्स बट ही नेवर प्लेड, ही प्लेड क्रिकेट बट ही नेवर प्लेड फॉर इंडिया, सो दैट्स अनदर क्यू। सबसे पहले अब मैं बात करता हूँ कि भी कहाँ कहाँ हो सकते हैं। तो मेरा एक तरीका है, मैं कि बात है कि देखिए, अगर आपने टीम देनी है किसी को, आपको नई टीम्स लानी है, तो दो चीजें उसमें रखिए। एक तो जोन वाइज आपको डिवाइड करना पड़ेगा किस जोन के पास कितनी टीम्स हैं। लेट्स बी फेयर, क्योंकि अगर आप BCCI के जो तरीका था खेलने का कि पांच जोन्स में इंडिया को बांटा गया, हर जोन के हिसाब से आप जो भी एलोकेशन करते हैं फंड्स की, किसी तरीके से उस तरीके से क्रिकेट खेली गई है। मैं नॉर्थ जोन में था, सचिन पाजी वेस्ट जोन में थे, सब मतलब दादा वाज ईस्ट जोन एंड ऑल ऑफ दैट, सो यू वी ऑल नो दैट राइट। तो अगर साउथ के पास ऑलरेडी तीन टीम्स हैं, आई एम नॉट लुकिंग एट द फोर्थ वन। हालांकि वाइजैग और तिरुवनंतपुरम के रूप में तो बहुत अच्छे ग्राउंड है, लेकिन आई वोंट गो टू साउथ, आई वोंट इवन गो टू नॉर्थ, क्योंकि वहां पे धर्मशाला है, बहुत खूबसूरत है, पर वहां पे भी नहीं जाऊंगा। तो अब मुझे बची सिर्फ तीन मेरे लिए जोन्स बचे हैं, एक है सेंट्रल जिसके पास सिर्फ एक राजस्थान है टीम के रूप में, एक बचती है वेस्ट जिसके पास मुंबई इंडियंस के रूप में एक टीम है, एक है ईस्ट जहां पर बचती है सिर्फ कोलकाता नाइट राइडर्स। सो इन तीन में से आपको दो टीम्स ढूंढनी पड़ेंगी ऐसा मुझे लगता है। दूसरी चीज जो ध्यान रखें वो ये कि आपके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है मैदान और होटल्स के रूप में, और दूसरा आपके स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है, ताकि आप योर केटरिंग टू अ वेरी ह्यूज मास and how is the ground, मतलब ग्राउंड कितना बड़ा है, होटल्स वगैरह कितने अच्छे हैं, सो दैट्स इट। सो फर्स्ट इन दैट लाइन विल बी वेस्ट। वेस्ट में अगर आप देखें अहमदाबाद, सौराष्ट्र यानी कि राजकोट और नागपुर, ये तीन एक्चुअली वेन्यूज रहेंगे जहां से एक टीम आ सकती है। अहमदाबाद में तो ऑफकोर्स 132,000 लोग बैठ सकते हैं, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, दैट विल बी द फ्रंट रनर। नागपुर भी अच्छा स्टेडियम है, लगभग 41,000 लोग बैठ सकते हैं, पर समस्या यह है कि मैदान ना जो है वो सिटी से बाहर है और थोड़ी सी इशू रहते हैं वहाँ जाने में, इशू रहते हैं। हालांकि देखें तो स्टेट वो सिटी की पॉपुलेशन काफ़ी है, अगर आप देखें स्टेट की पॉपुलेशन काफ़ी है, पर वहाँ जाना थोड़ा सा कठिन रहा है, दैट्स हिस्टोरिकली इट्स बीन अ प्रॉब्लम। सौराष्ट्र का मैदान खूबसूरत बहुत है, गुजरात लायंस यहाँ पर थी भी, पर मैदान का सीटिंग कैपेसिटी इज वेरी स्मॉल यार, इट्स लाइक 28,000, और सिटी को देखें तो वो भी 19 लाख है सिर्फ इस शहर के लोग, तो बहुत ज़्यादा भरा हुआ ये शहर नहीं है। मैदान मुझे अच्छा लगता है, पर बाकी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इट्स डेवलपिंग, इट्स नॉट राइट अप देयर एट दिस पॉइंट इन टाइम। आई थिंक अहमदाबाद विल विन दैट रेस अगर आप वेस्ट से फ्रेंचाइज लाते हैं। अगर वेस्ट से हम चले ईस्ट की तरफ तो वहां पे भी आपको तीन बड़े वेन्यूज मिलेंगे जो ऑप्शंस के रूप में रहेंगे। फर्स्ट इज रांची, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन का ये मैदान है, 50,000 लोग बैठ सकते हैं, स्टेट की पॉपुलेशन 4 करोड़ के आसपास है या थोड़ी सी उससे ऊपर है, और सिटी की पॉपुलेशन भी कुछ 15 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं, थोड़े ज़्यादा रह सकते हैं, पर कोई बात नहीं। एक चीज़ अगेंस्ट जाती है इसके, वो है कि बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना अच्छा नहीं है, मैदान तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है कई बार, बहुत ज़्यादा वो बहुत दिक्कत रहती है, क्योंकि मैदान कि बाहर ना वो इंफ्रा की कितना कनेक्टिविटी इज नॉट दैट ग्रेट, एंड होटल्स आर नॉट ग्रेट यार, मतलब बहुत लिमिटेड होटल्स हैं। हमने देखा था वो साउथ अफ्रीका वाली टीम तो परेशान हो गई थी बेचारी, होटल में जिम नहीं था, सो दे ऑल्सो हैड एन इशू, सो दैट्स वन ऑप्शन। ऑफकोर्स धोनी का वो शहर है, पर धोनी टीम से ना खेले आई मीन ठीक है कोई नहीं। देन आई गो टू गुवाहाटी, इट्स माई फेवरेट स्टेडियम, मतलब बारह स्टेडियम, 40,000 लोग इतना शोर मचाते हैं ना, और इट कुड एक्चुअली बी द एंटायर नॉर्थ ईस्ट, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द एंटायर नॉर्थ ईस्ट। तो वहाँ से वो जो 5 सिस्टर्स है हमारी, और कुल देखें अगर पूरे नॉर्थ ईस्ट की पॉपुलेशन तो 5.5-6 करोड़ है यार, और अगर स्टेट की पॉपुलेशन हम असम की देखें तो वो भी 3.5 करोड़ के करीब लोग हैं, 11 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं। अगर हम गुवाहाटी की बात करें, मैदान बहुत खूबसूरत है पर वहाँ पहुँचना मुश्किल है, 3.5 घंटे लगते हैं मुंबई से फ्लाइट की, और हर जगह फ्लाइट का इशू रहता है, वो कनेक्टिविटी इज अ बिट ऑफ एन इशू, वेदर ऑल्सो बिकम्स एन इशू बिकॉज वो पहाड़ों के बीच में ढका हुआ बहुत खूबसूरत स्टेडियम, बट देन अ कपल ऑफ थिंग्स माइट जस्ट गो अगेंस्ट इट। थर्ड विल बी कटक,
कटक की जो सबसे बड़ी समस्या मुझे नजर आती है वो समस्या आती है कि भैया इसकी कनेक्टिविटी जो है, इसका जो मैदान है ये उड़ीसा का है ही नहीं, मतलब उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन का नहीं है, मल्टीपर्पज स्टेडियम है, भुवनेश्वर से आपको वहां जाना पड़ता है और ना प्रैक्टिस की पिचेस बहुत अच्छी मिलती है, ना मैदान उतना आप खुद मेंटेन करते हैं, एंड दैट्स बीन एन इशू इन द पास्ट कि आप इतनी दूर 50 मिनट एक घंटा जाते हैं और रहने के लिए जगह नहीं मिलती, एंड दैट्स बीन एन इशू। तो अगर आगे एक टीम को वहां रखना है ना तो उनका वो होम ग्राउंड हो जाए तो थोड़ा मुश्किल है कि हर बार प्रैक्टिस के लिए आपको एक ही घंटा चल के जाना पड़ेगा, दैट्स नॉट गुड, चल के मतलब गाड़ी में। तो अगर ईस्ट में जाते हैं तो मेरा दिल कहता है गुवाहाटी, पर फ्रंट रनर शुड बी रांची, कनेक्टिविटी के हिसाब से, मैदान के हिसाब से, एंड जस्ट द नंबर ऑफ इंटरनेशनल गेम्स दैट इट हैज होस्टेड। तो अहमदाबाद इन द वेस्ट, रांची इन द ईस्ट, नाउ लेट्स गो टू सेंटर, और सेंटर में दो वेन्यूज हैं, एक तो है इकाना स्टेडियम इन लखनऊ, यूपी इज द बिगेस्ट स्टेट इन द कंट्री, मतलब सबसे ज्यादा लोग यहां पर रहते हैं, कितने 26-27 करोड़ लोग रहते हैं भाई साहब यहां पे, बहुत भीड़ होती है, और सिर्फ मैदान को भी देख लिया, कहीं इस जगह को भी देख लिया, सिटी को 3.5 करोड़ लोग यहां पर भी रहते हैं, 37 लाख लोग यहां पर रहते हैं, दैट्स लखनऊ, 50,000 लोग यहां पे आके मैच देख सकते हैं। ऑलरेडी अफगान टीम को आप होस्ट कर चुके हैं, साउथ अफ्रीका के साथ विमेंस गेम को होस्ट कर चुके हैं, इंडिया के मैच वहां पर हो चुके हैं, और ये ग्राउंड बहुत खूबसूरत है, इस ग्राउंड में एक भी पिलर नहीं है, आप कहीं पे बैठ जाइए, आपका व्यू जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होता, और लखनऊ आई थिंक माइट जस्ट बी द टीम। अगर आप सेंटर की तरफ देखें, दूसरा वेन्यू रहेगा मध्य प्रदेश, एक और बहुत बड़ा स्टेट जहाँ की पॉपुलेशन मतलब 8.5 करोड़ है, वहाँ पर आप जा सकते हैं इंदौर की तरफ, होलकर स्टेडियम, 30,000 लोग बैठते हैं, बहुत इंटरनेशनल क्रिकेट हो चुकी है, काफ़ी आईपीएल क्रिकेट भी हुई है, तो उस लिहाज से देखें तो वहां पर आप जरूर करवा सकते हैं। पर अगर सेंटर जोन में जाएंगे, सेंट्रल जोन में जाएंगे, सो माई फ्रंट रनर विल वंस अगेन बी लखनऊ, तो फिर अहमदाबाद, लखनऊ एंड रांची विल बी माई 3 सेंटर्स, इसमें से आप 2 पिक कर लीजिए, साउथ और नॉर्थ को मैंने छोड़ दिया, दैट्स व्हाट आई फील, पर आपको क्या लगता है प्लीज बताइएगा, क्योंकि ये शो तो आप ही का है ना। अब समय आ गया आपकी वाणी का, यानी कि आपके सवाल मेरे जवाब। विवेक जी का ये सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि भाई WTC क्या है, इज इट एजिंग टुवर्ड्स न्यूजीलैंड की, भाई साउथहैम्पटन की कंडीशंस न्यूजीलैंड से मिलती जुलती होंगी, ऑलरेडी वो 2 टेस्ट खेल चुके होंगे वहां पर, थोड़ा सा फर्क तो है यार, दिल तो यही कहता है, दिल है हिंदुस्तानी, हम कहेंगे भैया हम तो उनको हरा देंगे मार देंगे, पर न्यूजीलैंड में जाके हम न्यूजीलैंड को नहीं हरा पाते हैं, दैट्स अ फैक्ट, अभी भी नहीं हरा रहे थे, ये जो टीम ऑस्ट्रेलिया जीती थी वो हार गई थी न्यूजीलैंड में, जबकि न्यूजीलैंड में ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ साइड थी, साउथहैम्पटन में भी दिक्कत हो सकती है, तो 60-40 इन फेवर ऑफ न्यूजीलैंड यार, और 55-45 इंडिया, डोंट रूल देम आउट, बट इट इज 55-45 इन फेवर ऑफ न्यूजीलैंड, हालांकि टेस्ट रैंकिंग में 2 पर हैं, अपने घर पर अच्छा खेलते हैं, पर अगर साउथहैम्पटन की बात करें इन परिस्थितियों में वो हमसे थोड़ा सा बेहतर खेल सकते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश समर, यू राइट। गौरव का ये सवाल है कि भाई अगर ऐसे हम 2 टीम्स एक समय खिला रहे हैं तो इसी तरीके से जैसे एक श्रीलंका में होगी दूसरी इंग्लैंड में होगी, तो ऐसे बाकी बड़े नेशंस भी करें, ऑस्ट्रेलिया भी करें, इंग्लैंड भी करें, और फिर वो जो सेकंड टीम है वो एसोसिएट नेशंस के साथ खेले, क्या आपका जबरदस्त ये सुझाव है, मजा आ गया, और मजा इसलिए आया क्योंकि एसोसिएट नेशंस को अपना वो 4 साल में एक बार याद करते हैं यार, मैं एक्चुअली इसके ऊपर अलग से एक पूरी एक आकाशवाणी बनाऊंगा कि आप अलग अलग नेशंस को अगर आपको डेवलप करना है, मान लिया कि आपकी फर्स्ट टीम बिजी है, अरे सेकंड टीम को खिलाओ ना यार, अभी T20s वन डेज खिलाते रहो, मतलब वो इट्स बेटर देन ए क्रिकेट, इट्स ऑलमोस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट, एंड यू कैन ऑर्गेनाइज 2 टूर्नामेंट्स एट द सेम टाइम, 2 सीरीज एट द सेम टाइम, उसको आप हो सकता है वो इतने बड़े पैसों में ना बिके, राइट्स के साइकिल में, इट्स ऑल राइट यार, क्या फर्क पड़ता है, वहाँ पे अपनी जो दूसरी टीम है वो भी तैयार होती रहेगी, मान लीजिए इंडिया अफगानिस्तान की सीरीज चल रही है T20 और वन डेज, इंडिया नेपाल के साथ खेलता है, जो इंडिया के छोटे बच्चे जो अपकमिंग बच्चे हैं वो सारे खेलते हैं, आई एम विद योर आइडिया, फैंटास्टिक आइडिया यार गौरव, ब्रिलियंट। लास्ट क्वेश्चन रयान का है कि भाई किसको सनराइज हैदराबाद रिटेन करेगी, वॉर्नर विलियमसन या फिर राशिद, आई गो विद राशिद, राशिद 100%, बाकी सबको आप ऑक्शन में खरीद सकते हैं, राशिद खान को मैं रिटेन करना चाहूंगा क्योंकि वैसे तो रिटेंशन बहुत महंगा पड़ने वाला है, बट देन सो बी इट, अगर आपको टीम बनानी है, अपनी टीम की शुरुआत करनी है कहीं से, सो राशिद विल बी माय वन चॉइस, इसके बाद वॉर्नर और विलियमसन, दोनों को ही लेना तो मैं जरूर चाहूंगा पर दोनों को शायद रख नहीं पाऊंगा, बट देन दैट्स व्हाट आई फील। अब ये मेरा जो आखिरी ट्रिविया था, ट्रिविया वाज डिफिकल्ट, इन जनाब का नाम है हैवी बर्थडे राजदीप सरदेसाई, आजकल न्यूज़ एंकर हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत बढ़िया अपनी उन्होंने किताबें भी लिखी हैं, एंड हिज फादर दिलीप सरदेसाई, ही प्लेड फॉर इंडिया, ही प्लेड 30 टेस्ट मैचेस फॉर इंडिया, सम अमाउंट ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट राजदीप भाई भी खेले थे, राज भाई प्यार से कहता हूँ मैं इनको, बड़ा अच्छा लगता है मुझे बहुत, वी गो बैक अ लॉन्ग वे इन टर्म्स ऑफ, हम साथ में काफ़ी काम किया है, सो ही इज इन अ डिफरेंट प्रोफेशन, क्या आप लोगों ने गेस किया था, आज जनाब का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे राज भाई, टेक केयर योर सेल्फ, आप लोग भी अपना घर पर ध्यान रखिएगा, प्लीज स्टे सेफ एंड स्टे होम, टेक केयर, लव यू, जाते जाते आपके शॉर्ट्स, मेरी आकाशवाणी। आगे गेंद, ये कलाइयां, इनका बल्ला,
माशाल्लाह, दर्शक बने फील्डर, फील्डर दर्शक।